नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भेजी टेक्निकल। आज आपके सामने ले आए हैं टेक्नो स्पार्क की तरफ से फोन, जो कि 7 इंच डिस्प्ले और 6000 mAh की बैटरी के साथ में आता है। काफी जबरदस्त फोन है। जी हाँ दोस्तों, फोन जो है आपको मिलेगा 23 तारीख से, जो कि होगा मंगलवार, अगले मंगलवार से आपको मिलने वाला है। 23 जून से ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा टेक्नो स्पार्क, जो देखने में काफी खूबसूरत फोन लगता है। और इसका सबसे बड़ी डिस्प्ले अभी तक की मार्केट में उभर के आई है, जो कंपनी ने बताया है। और आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि ये जो है कितना अच्छा फोन दिख रहा है, 6000 mAh की बैटरी के साथ में, 18 वाट का फास्ट चार्जर है। 10,000 रुपये में इसका 4 GB 64 GB का एक ही वेरिएंट है जो आपको मिलने वाला है। फिलहाल आइस जेडाइट और जो है मिस्ट ग्रे, ऐसे दो खूबसूरत कलर्स में है। 4 कैमरे पीछे दिए हैं, आगे 16 MP का सेल्फी कैमरा है। फोन के बारे में मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। और फोन जो है एक, जिसको एंटरटेनमेंट पसंद है, बड़ी बैटरी के साथ में और पावरफुल जो डिस्प्ले है उसको देखना है, तो आपके लिए फोन होगा। फोन में क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है, हम चलिए इसके डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहली बात बता दूँ, इसके अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज चल रहे हैं वो सारी चीज़ें दी गई है इसके अंदर। जैसे कि सैमसंग के 6000 mAh की बैटरी इन्होंने भी दे दी है। डिस्प्ले अभी तक मैंने 7 इंच का किसी फोन में नहीं देखा। अलर्ट डॉट नॉच वाला नहीं है, ये जो ऊपर का नॉच रहता है वो वाला है। तो ये यू नॉच बोल सकते हैं, वी नॉच बोल सकते हैं, वाटर ड्यू ड्रॉप जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, उस तरह का नॉच है। 7 इंच का डिस्प्ले काफी बड़ा होगा, वन हैंड तो बिल्कुल नहीं। फोन का वजन भी बता दो, 220 ग्राम का वजन है। जी हाँ दोस्तों, 220 ग्राम का। हालांकि सैमसंग 185-90 में ही निपटा देता है, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी अलग है। 18 वाट का फास्ट चार्जर है। और जो भी इसके अंदर फोन में डिटेल्स दिखाई गए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसकी 23 तारीख से सेल है फ्लिपकार्ट के ऊपर, एक्सक्लूसिव 10,000 रुपये मिल जाएगा। 7 इंच की इतनी बड़ी डिस्प्ले देती है, अब तो समझ भी नहीं आ रहा कहाँ तक फिजिबल है कहाँ तक नहीं है। लेकिन जैसे ट्रेंडिंग चल रहा है मार्केट में, 6.7 6 पॉइंट तक आ चुके हैं, तो अब 7 इंच का भी चप्पल की तरह फोन दिखेगा, बुरा मत मानिएगा, चप्पल की तरह फोन दिखेगा पकड़ने में। लेकिन जिसके लिए अच्छा है पकड़ने, क्योंकि टैब 7 इंच से चालू थे, अब तो फोन भी आना चालू हो गए हैं। स्पीकर वगैरह काफी अच्छे दिया है, एक ही वेरियंट है 4/64 का। और रैम DDR3 है कि 4, वो बताया नहीं है। एक की यहाँ पे इन्होंने दिया है वॉल्यूम की, को आप गेम में फायर शूटिंग करते समय इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अच्छा, जैसे कि दूसरे मोबाइल्स में आजकल आ रहा है बटन ऊपर से गेम खेलने के लिए। हालांकि गेम हीलियो P22 का प्रोसेसर, गेम का एक्सपीरियंस आपको हाई एंड गेम तो बिल्कुल नहीं खेल सकते हैं आप, लेकिन लो एंड के जो गेम्स है वो काफ़ी स्मूथली खेल सकते हैं। P22 काफ़ी पुराना प्रोसेसर है, लेकिन इतनी बड़ी डिस्प्ले, बैटरी, चार्जर देने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग इनको करनी थी, जो उन्होंने प्रोसेसर में कर दी है। गेम मोड ऑप्टिमाइज करके आता, पता नहीं गेम पे क्यों ध्यान दे देते हैं, छोटे से फोन है लेकिन फिर भी गेम पे काफ़ी ध्यान देते हैं। लेटेड भी जो भी उनका मार्केट में पकड़ होगा, टेक होगा, उसके हिसाब से वो करते होंगे। 16 MP का क्वाड कैमरा दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, 1.8 का अपाचर के साथ में, जो कि अच्छी खासी फोटोस ले लेगा। इस प्राइस के हिसाब से हम इसके ऊपर कुछ भी ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। 3 कैमरा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैक्रो कैमरा 2.5 सेंटीमीटर तक आप इसको छोटा करके फोटो ले सकते हैं। नीचे वाला AI कैमरा है, जिसके अंदर मेगापिक्सल नहीं है, नाम के लिए है वो। तो इस तरह से हाई डेफिनेशन HD फोटोज, HD वीडियो, फुल HD भी कैप्चर कर सकते हैं। मैक्रो को देखिए 2.5 सेंटीमीटर तक इन्होंने जूम करके दिखाया कि 2.5 सेंटीमीटर तक आप इसको कैप्चर कर सकते हैं इतनी बारीकी के साथ में। AI इफेक्ट और बाकी कैमरा के सारे इफेक्ट इन्होंने दिखाए हैं, जो कि आमतौर पे फोन पे मिलते हैं। और इसके अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी। 18 वाट का चार्जर बॉक्स के साथ में है, ये एक अच्छी बात है। और भी बहुत सारे फीचर्स है इसके अंदर भी आपको दिखाने लगे, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक जान लीजिए, फोन लेने के लिए आपको सबसे अच्छा अगर बड़ा डिस्प्ले चाहिए 7 इंच का, तो ही लीजिएगा, क्योंकि डिस्प्ले हैंडल करने बहुत दिक्कत होगी। और काफी वजन, 220 ग्राम का फोन है। हालांकि 210 ग्राम तक मोस्टली फोन आना भी चालू हो गया, तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। बैटरी इसकी 6000 की है, 7 इंच का डिस्प्ले है, 18 वाट का चार्जर है, 16 MP का कैमरा है। तो मेरे हिसाब से एक विन विन सिचुएशन है। 4/64 की मेमोरी है और 256 आप अलग से लगा सकते हैं। 3 सिम 2 सिम, एक SD कार्ड 3 स्लॉट वाला है। तो अगर आप चाहते हैं तो फोन को ले सकते हैं, काफी अच्छा फोन मुझे दिख रहा है। सारी चीजें विन विन सिचुएशन है, कोई भी चीज़ के इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा जहाँ तक मैं देख रहा हूँ फोन के अंदर। तो 23 तारीख को रेडी रहिएगा फोन लेने के लिए। अगर आपका बड़ा वजन नहीं चाहिए, डिस्प्ले इतना बड़ा नहीं चाहिए, तो आप कोई और फोन चेक कर सकते हैं। इस रेंज में काफी अच्छे अच्छे फोन मार्केट में अवेलेबल है। वेजी टेक्निकल देखने, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।